Hello friends, welcome to iFi TDS Region Patna. I am Anish Kumar, HOD of Civil Engineering Department at iFi Patna Center. Today we will discuss about strength of material. अगर आप इस subjects के नाम पे थोड़ा सा analysis कर लो तो इसके नाम से ही clear है कि हमें इस subjects के अंदर materials के बारे में पढ़ना है जो different types of loads से subjected हो. लेट सपोज अगर आपका ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग्स होती है, तो इन लोड्स की वजह से इस मटेरियल के अंदर जो भी फेनोमिना जनरेट होगा उसकी एनालिसिस को हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. ओके, तो इस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिफिनेशन हम देते हैं. इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड मैकेनिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट बिहेवियर ऑफ सॉलिड बॉडी विच इज सब्जेक्टेड different types of load. Clear? तो इस subjects का basic introductions पहले clear करते हैं. Subjects को start करने से पहले strength of material बहुत ही basic subject है civil engineering and mechanical engineering दोनों ही branches के लिए. ठीक है, civil engineering के लिए ये backbone है. backbone मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसके concepts को दूसरे subjects में बहुत ज्यादा use करना पड़ेगा आपको. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजी को डिफाइन करना चाहता हूं. वो टर्मिनोलॉजी जो बार बार इस सब्जेक्ट के अंदर इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते समय आपको मिलेगा. क्लियर, तो पहला हमने ये टर्मिनोलॉजी लिखा है मटेरियल शुड बी आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस. ये कुछ एजम्पशंस नहीं है, ये एजम्पशंस हमारे पूरे सब्जेक्ट्स के लिए है. इस पूरे सब्जेक्ट्स में ये एजम्पशंस वैलिड है. ये एक एक करके एक सारे एजम्पशंस को मैं क्लियर करना चाहूंगा. ये आपको बेसिक इंट्रोडक्शंस देगा इस सब्जेक्ट्स के लिए. फर्स्ट एजम्पशन हमारा है मटेरियल शुड बी आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस. ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ये जो मटेरियल है ये मटेरियल कैसा होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक एंड होमोजेनियस. व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपिक एंड व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ होमोजेनियस. अगर हम आइसोट्रॉपिक की बात करें, आइसोट्रॉपिक, लेट सपोज मैं ये कहता हूं कि ये मटेरियल आइसोट्रॉपिक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आइसोट्रॉपिक. आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि मटेरियल के अंदर जो मटेरियल प्रॉपर्टी होती है, जैसे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सियर मॉडुलस, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, पॉइजन रेशियो है, इनको हम कहते हैं मटेरियल प्रॉपर्टी. अगर मटेरियल प्रॉपर्टी की वैल्यू किसी भी एक पॉइंट पर, अगर किसी भी एक पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में सेम हो तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल. क्लियर, जैसे ये आपका एक पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमने ये तीन डायरेक्शन दिखाए, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन. इन तीनों ही डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी की वैल्यू अगर सेम हो, इधर भी यंग्स मॉडुलस सी, इधर भी यंग्स मॉडुलस सी, इधर भी यंग्स मॉडुलस सी, तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल. ओके, ठीक है, दूसरा कोई मटेरियल हमने लिया, ये मटेरियल को मैं कह रहा हूं ये कैसा है, होमोजीनियस. अगर ये मटेरियल होमोजीनियस है तो होमोजीनियस को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, किसी भी मटेरियल का मटेरियल प्रॉपर्टी अगर किसी एक फिक्स डायरेक्शन में, लेट सपोज ये फिक्स डायरेक्शन एक लिया एक्स डायरेक्शन, इस एक्स डायरेक्शन में सारे पॉइंट पर मटेरियल प्रॉपर्टी का वैल्यू अगर सेम होगा तो ऐसे मटेरियल को हम कहेंगे होमोजीनियस मटेरियल. ओके, तो ये डायरेक्शन के लिए मटेरियल प्रॉपर्टी ये डायरेक्शन में भी, ये डायरेक्शन में भी, तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कहेंगे, होमोजीनियस. एक बार फिर से क्लियर करते हैं दोनों को. आइसोट्रॉपिक मटेरियल क्या हुआ, मटेरियल प्रॉपर्टी आर सेम इन ऑल डायरेक्शन एट अ सिंगल गिवन पॉइंट. क्लियर, एंड होमोजीनियस मटेरियल कौन सा हुआ, मटेरियल प्रॉपर्टी आर सेम इन अ गिवन डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स, ऐसे वो क्या कहते हैं, होमोजीनियस. अब अगर कॉम्बिनेशन आप देखो आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस का, क्योंकि हमारा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जो मटेरियल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, आइसोट्रॉपिक भी होना चाहिए और होमोजीनियस भी होना चाहिए. तो दोनों के लिए अगर हम देखेंगे, यहां हमने एक मटेरियल बनाया, इसको हमने कहा क्या आइसोट्रॉपिक भी है और होमोजीनियस भी है. आइसोट्रॉपिक वाले क्राइटेरिया से इस पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी होगी, कांस्टेंट होगी, इधर भी इधर भी इधर भी सारे डायरेक्शन में मटेरियल प्रॉपर्टी की वैल्यू कांस्टेंट होगी. एंड होमोजेनियस वाले क्राइटेरिया से अगर ये कोई दूसरा पॉइंट कंसिडरेशन में लेता हूं तो होमोजेनियस क्राइटेरिया क्या कहता है, किसी भी एक फिक्स डायरेक्शन में सारे पॉइंट पर मटेरियल प्रॉपर्टी से
सेम होते हैं, तो इस पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मेटेरियल प्रॉपर्टी कितना होगा, इसी के जैसा होगा। इसी पॉइंट पर इस डायरेक्शन में मेटेरियल प्रॉपर्टी कितना होगा, इसी के कितना होगा ही, और इस डायरेक्शन में मेटेरियल प्रॉपर्टी कितना होगा, इसके जैसा होगा ही। तो अगर हमारा मेटेरियल आइसोट्रॉपिक भी है और होमोजीनियस भी है तो क्या हुआ कि सारे पॉइंट पर सारे डायरेक्शन में मेटेरियल प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, कॉन्स्टेंट हो गई। क्लियर, ये मीनिंग होता है आइसोट्रॉपिक एंड होमोजीनियस का। ओके, नेक्स्ट हमारा एजम्पशन है मेटेरियल शुड बी प्रिज्मेटिक, मेटेरियल शुड बी प्रिज्मेटिक। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ प्रिज्मेटिक, सी द मीनिंग ऑफ प्रिज्मेटिक, प्रिज्मेटिक मेटेरियल हम वैसे मेटेरियल को कहते हैं जो मेटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे लेंथ में क्या हो, कॉन्स्टेंट हो, और वो मेटेरियल स्ट्रेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये मेटेरियल है, इस मेटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर हम बात करें, क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी भी एक सेक्शन पे कट करने के बाद, आफ्टर कटिंग दैट सेक्शन, इस मेटेरियल का ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये पूरे लेंथ में क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। तो ऐसे मटेरियल को हम कहते हैं प्रिज्मेटिक मटेरियल। ओके, प्रिज्मेटिक मटेरियल किसको कहते हैं, अ स्ट्रेट स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोड, दैट इज कॉल्ड प्रिज्मेटिक मटेरियल। ठीक है, अगर प्रिज्मेटिक मटेरियल है तो इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया पूरे लेंथ में क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा, और ये मटेरियल क्या होगा, स्ट्रेट होगा। क्लियर, नेक्स्ट अगला एग्जांपल हमारा है हुक्स लॉ इज वैलिड। व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हुक्स लॉ, देखते हैं हुक्स लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है ये हुक्स लॉ। ठीक है, हुक्स लॉ के बारे में देखते हैं। बेसिकली आप लोग ये जानते होंगे कि हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एंड अगर इस प्रोपोर्शनलिटी को हम हटाते हैं तो इसके बदले में एक कॉन्स्टेंट आता है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट, जिसको हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सिग्मा इज इक्वल टू होता है इनटू एप्सिलॉन, ये स्ट्रेन है नॉर्मल स्ट्रेन, ये आपका स्ट्रेस है नॉर्मल स्ट्रेस, ये होता है बेसिक हुक्स लॉ। ओके, अब हुक्स लॉ के अंदर और भी कुछ बेसिक्स डेप्थ में इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स जानते हैं। ये जो हुक्स लॉ होता है ये वैलिड कहां तक होता है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, ऑप्शंस में रहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, इंड्यूरेंस लिमिट, बहुत ही ये फेमिलियर क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है हुक्स लॉ के बारे में, जरा इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक स्ट्रेस की बात करो तो स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, तो इसको हम सिंपली लिखते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फोर्स इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स होता है, जब हम सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे तो बहुत डेप्थ में स्ट्रेस बताएंगे आपको, स्ट्रेस होता क्या है, स्ट्रेस इज ऑलवेज डिफाइंड ऑन अ पॉइंट, स्ट्रेस का अपना खुद का कोई डायरेक्शन नहीं होता, ये हमेशा कंपोनेंट के फॉर्म में, कंपोनेंट लेकर के इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन हम करते हैं, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, यहां फिलहाल अभी आप बस इतना समझिए स्ट्रेस को क्या लिखते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया, एंड स्ट्रेन को क्या कहते हैं, चेंज इन लेंथ बाय इनिशियल लेंथ, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ या इनिशियल लेंथ। क्लियर, तो इसको जरा हम रिलेट करते हैं एक स्प्रिंग से, एक स्प्रिंग का एग्जांपल मैं लेता हूं और उसके साथ इसको रिलेट करता हूं। अगर आप किसी स्प्रिंग की बात करें तो अगर किसी स्प्रिंग में आपने कोई लोड दिया, आफ्टर अप्लाइंग दिस लोड इस स्प्रिंग के अंदर कुछ स्ट्रेचिंग आ जाएगा, कुछ स्ट्रेचिंग आ जाएगा इस लोड की वजह से, ये स्ट्रेचिंग आ गया, इतने का इसमें चेंज हो गया। ठीक है, फिर से जब आप इस लोड को हटा दोगे, अगर आप इस लोड को हटा दोगे तो फिर से ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कॉम्पनसेट कर जाएगा, अपने ओरिजिनल पोजिशन पे चला जाएगा। ठीक है, अब यहां पे हमने नीचे की तरफ mg इसका लोड लगाया, लोड लगाया नीचे की तरफ डिफॉर्मेशन हुआ, ये बात समझ में आती है। लेकिन अगर इस लोड को मैं वापस से हटा देता हूं तो ये स्प्रिंग फिर से वापस कॉम्पनसेट कर जाता है, इट मींस कोई ना कोई एक अनविजिबल फोर्स है जो यहां पे वर्क कर रहा है, उस अनविजिबल फोर्स को हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स विच इज जनरेटेड इन स्प्रिंग। ठीक है, तो यहां पे एक
फोर्स जनरेट होता है जिसको हम कहते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इंटू डिस्प्लेसमेंट एक्स, एफ इज इक्वल टू के एक्स। ओके, अब यही सिनेरियो के साथ जरा इसको रिलेट करते हैं, इन दोनों को जरा रिलेट करते हैं। अगर आप इस फोर्स में इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दोगे तो ये स्ट्रेस बन जाएगा, और ये चेन की लेंथ है अगर स्प्रिंग के इनिशियल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेन बन जाएगा। और कांस्टेंट यहां पे स्प्रिंग कांस्टेंट के है, अगर कोई मटेरियल लेता हूं जिसका यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी ई हो तो इस इक्वेशन को इसके फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब इस इक्वेशन पे ये इक्वेशन या ये इक्वेशन अगर आप देखोगे तो ये दोनों इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के जैसा है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का जैसा है। इट मीन्स दिस इक्वेशन इज वैलिड अप टू स्ट्रेट लाइन, क्लियर। तो थोड़ा सा इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ, ये ग्राफ कैसा है, तो ये ग्राफ है उस मटेरियल का जिस मटेरियल का लोड वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ या स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ हुक्स ने बनाया है, हुक्स लॉ ने बनाया है, ठीक है। तो लोड स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ अगर देखें माइल्ड स्टील का, ये स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ होता है माइल्ड स्टील का। इसमें यहां तक इस पॉइंट तक ये स्ट्रेट लाइन दिखता है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का मतलब ये हुआ कि हमारा जो हुक्स लॉ है, ये जो हुक्स लॉ है ये स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के जैसा है, तो ये वैलिड कहां तक होगा, कहां तक वैलिड होगा, जहां तक ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन ये कहां तक होता है, ये लिमिट तक। अब जहां तक स्ट्रेट लाइन है इस लिमिट को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब हुक्स लॉ स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, ये प्रोपोर्शनल लिमिट हुआ। इसके जस्ट बाद हमें मिलता है इलास्टिक लिमिट, इसके जस्ट बाद मिलता है इलास्टिक लिमिट। एक्चुअल मीनिंग ऑफ इलास्टिक लिमिट जरा क्लियर करते हैं हम लोग यहां पे। इलास्टिक लिमिट याद देखिएगा, ये जो हुक्स लॉ है इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट है। पहला कॉन्सेप्ट ये कि ये स्ट्रेट लाइन मैथमेटिकली स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के जैसा है, तो ये इक्वेशन तब तक वैलिड है जब तक हमारा ग्राफ कैसा जा रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन कहां तक जाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। दैट्स व्हाई हुक्स लॉ वैलिड कहां तक है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ओके, अब आगे बात करते हैं। इस हुक्स लॉ में एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि इस हुक्स लॉ में जो मटेरियल यूज होता है वो मटेरियल इलास्टिक मटेरियल होता है, और इलास्टिक मटेरियल में अगर आप लोडिंग करते हो तो एक फिक्स लिमिट तक, एक फिक्स लिमिट ऑफ लोड तक अगर हम लोड लगाते हैं तो उस लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन आता है वो डिफॉर्मेशन कुछ पॉइंट्स ऑफ लोड तक, कुछ लिमिट्स ऑफ लोड तक टेम्पररी डिफॉर्मेशन होता है। टेम्पररी डिफॉर्मेशन मीन्स अगर आप लोड को हटा दोगे, रिमूव कर दोगे, अनलोडेड स्टेट कर दोगे तो डिफॉर्मेशन क्या हो जाएगा, कॉम्पनसेट हो जाएगा, वो मटेरियल फिर से अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका टेम्पररी डिफॉर्मेशन। तो ये कहां तक होता है, इलास्टिक पॉइंट तक, इलास्टिक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट। ये है वो इलास्टिक लिमिट, मतलब ये वो लिमिट है, ये वो लिमिट है इलास्टिक लिमिट जहां तक आपका हुक्स लॉ टेम्पररी डिफॉर्मेशन देता है। तो इस हुक्स लॉ पे हम ये कहते हैं कि ये वैलिड कहां तक है, वैलिड अप टू कहां तक वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। ध्यान दीजिएगा, हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। लेकिन अगर प्रोपोर्शनल लिमिट ऑप्शन में नहीं हो तो हम इलास्टिक लिमिट पर भी चले जाते हैं कि हुक्स लॉ वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, लेकिन कब, अगर प्रोपोर्शनल लिमिट ऑप्शन में नहीं हो, क्लियर। तो हुक्स लॉ में हम एक और चीज कहते हैं, इट इज वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, क्लियर। अब ये प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच का ये जो गैप है, ये इतना माइन्यूट गैप होता है, बहुत ही माइनर गैप होता है, ठीक है। और इस माइनर गैप की वजह से हम ये कह देते हैं कि हुक्स लॉ इज ऑल्सो वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, बट इन एक्चुअल हुक्स लॉ इज नॉट वैलिड अप टू इलास्टिक लिमिट, इट इज वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। क्यों, क्योंकि ये मैथमेटिकली इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का है और स्ट्रेट लाइन प्रोपोर्शनल लिमिट
तक ही होता है, तो इसीलिए हुक्स लॉ बनाते हैं, वैलिड कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट तक। अब इलास्टिक लिमिट तक इसलिए कह देते हैं क्योंकि इलास्टिक लिमिट और प्रोपोर्शनल लिमिट दोनों ही क्या होता है, बहुत ही काफी माइनर गैप पे होता है, बहुत ही क्लोज कंटेंट में होता है। हमने आपको बस ये शो इसलिए कराया है क्योंकि आपको विजुअलाइज हो सके कि ये प्रोपोर्शनल है और यहाँ पे इलास्टिक है, ये बहुत ही माइनर गैप में होता है। पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट कि इलास्टिक लिमिट तक, इस लिमिट तक, इस इलास्टिक लिमिट के इधर जो भी डिफॉर्मेशंस होते हैं वो टेम्पररी डिफॉर्मेशंस होते हैं। टेम्पररी डिफॉर्मेशन का मीन्स अगर हम लोड को वापस से हटा दें, ठीक है, रिमूव कर दें, तो जो डिफॉर्मेशन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्पनसेट होकर के बॉडी ओरिजिनल पोजिशन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ इलास्टिक लिमिट। तो हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक। अगर प्रोपोर्शनल लिमिट ऑप्शन में ना रहे तो हम क्या कह देंगे, इलास्टिक लिमिट। ओके, कुछ क्वेश्चंस करते हैं, सुनिएगा क्वेश्चन ध्यान से। पहला क्वेश्चन, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, ऑप्शंस चार दिए, इलास्टिक लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट, इंड्यूरेंस लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। कौन कौन सा, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इंड्यूरेंस लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, कहां तक वैलिड होगा, आंसर क्या होगा, प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, सेम क्वेश्चन सिर्फ ऑप्शंस में चेंज करूंगा। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू, फर्स्ट ऑप्शन इलास्टिक लिमिट, इंड्यूरेंस लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, नन ऑफ दीज। अब इस ऑप्शन में प्रोपोर्शनल तो कहीं है ही नहीं, तो आप क्या करोगे, नन ऑफ दीज, नो। हमने आपको बताया हुक्स लॉ प्रोपोर्शनल लिमिट अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या फिर टिक करके जाएंगे, इलास्टिक लिमिट। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मोस्ट करेक्ट आंसर्स यू हैव टू टिक, जो मोस्ट करेक्ट आंसर हो। तो प्रोपोर्शनल लिमिट अगर ऑप्शन में नहीं है तो क्या करके जाएंगे, इलास्टिक लिमिट। क्लियर। तो ये था हुक्स लॉ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हमारा एजम्पशंस जो है ये है ग्रेजुअल लोड इज अप्लाइड, ग्रेजुअल लोड इज अप्लाइड। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो लोडिंग सिस्टम है मटेरियल के ऊपर जो हम लोड लगाएंगे ट्रांसफर करेंगे वो लोड टाइम के रेस्पेक्ट में स्लोली स्लोली ट्रांसफर होगा, इसको हम कहते हैं ग्रेजुअल। दो तरह के लोड आप लगा सकते हो, जैसे मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, ठीक है, ये हमारा पंप, ये एक मटेरियल है। अगर इस मटेरियल पर, इस पर अगर इसका लोड हमें ट्रांसफर करना हो, हमने इसको यहां से ड्रॉप आउट कर दिया, तो ये कैसा लोड हुआ, सडन लोडिंग, क्योंकि ये अचानक से इसके ऊपर आ गया, इसके पूरे जो भी वेट है इसका, इसके ऊपर अचानक से आ गया, इसको हम कहते हैं सडन लोड। लेकिन यही अगर स्लोली स्लोली ट्रांसफर हो इसके ऊपर, इसका जो भी मैग्नीट्यूड हो, वो मैग्नीट्यूड का जो ट्रांसफर होगा इस मटेरियल पर वो टाइम के रेस्पेक्ट में स्लोली ट्रांसफर हो, तो उसको हम कहेंगे ग्रेजुअल लोडिंग। क्लियर। तो हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ऑलवेज जो लोड्स होगा वो कैसा होगा, ग्रेजुअली अप्लाइड होगा। क्लियर है। नेक्स्ट, बॉडी फोर्स इज नेग्लेक्टेड। अगर आप फोर्स की बात करोगे, फोर्स की, तो दो तरह का फोर्स होता है, एक आपका होता है बॉडी फोर्स, बॉडी फोर्स, और एक आपका होता है सरफेस फोर्स, सरफेस फोर्स। बॉडी फोर्स कैसा फोर्स है, तो ये ड्यू टू वॉल्यूम, अगर किसी भी बॉडी का, जैसे मान लीजिए ये कोई मटेरियल है, इस मटेरियल का अपना कुछ वॉल्यूम है, तो इसके वॉल्यूम की वजह से इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, इस वेट को क्या कहेंगे, वेट इज अ टाइप ऑफ फोर्स, तो ये जो वेट है इसको हम कहते हैं बॉडी फोर्स। और अगर किसी मटेरियल पर, ये मटेरियल है, इसके मटेरियल पर, किसी सरफेस पर, इसके मटेरियल के सरफेस पर अगर एक्सटर्नल कोई लोडिंग होता है, एक्सटर्नल, ये एफ एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल बाहर से हमने अप्लाइड किया है, तो इस फोर्स को हम कहते हैं सरफेस फोर्स, बिकॉज ये सरफेस पे अप्लाइड है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स होगा तो आप सरफेस पर ही लगाओगे। तो फोर्स को हमने क्लासिफाई किया दो तरह से, बॉडी फोर्स एंड सरफेस फोर्स। ये जो बॉडी फोर्स है ये हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में इसको हम नेग्लेक्ट करते चलते हैं, इसकी कैलकुलेशन हम नहीं करते हैं। लेकिन कुछ ऐसा एक्सेप्शनल पॉइंट भी है जहां पे आप बॉडी फोर्स को कैलकुलेट करोगे। आपको ने क्वेश्चन कभी देखा होगा, वेट की वजह से डिफॉर्मेशंस, अगर कोई बार है वो हैंग कर रहा है वर्टिकली सीलिंग से, तो उसके सेल्फ वेट की वजह से उसके अंदर डिफॉर्मेशन, साइंस इज अ पार्ट ऑफ एक्सेप्शन, ठीक है। ये जो हमारा बेसिक एजम्पशन है ये पूरे सब्जेक्ट्स में वैलिड है, लेकिन कुछ कुछ पॉइंट्स पर एक्सेप्शनल भी है, उस एक्सेप्शनल में हम बॉडी फोर्स को भी काउंट करेंगे, लेकिन वो सिर्फ एक ही चैप्टर में,
रिमेनिंग बाकी जितने भी चैप्टर है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के, उसमें बॉडी फोर्स को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करके चलेंगे. ओके, नेक्स्ट, रोल ऑफ थ्रू स्ट्रेस स्ट्रेन इज नेग्लेक्टेड. रोल ऑफ थ्रू स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नेग्लेक्टेड, इसको जरा समझते हैं. व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ थ्रू स्ट्रेस, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ थ्रू स्ट्रेस. थ्रू स्ट्रेस का मतलब ये होता है, जैसे लेट सपोज मान लीजिए कि ये मटेरियल, इस मटेरियल पे आपने ये लोडिंग किया, इस मटेरियल का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है लेट सपोज 5 mm square. ठीक है, मैं एक एजम्पशंस के थ्रू इसको क्लियर करता हूं, 5 mm square. एंड अगर इस पर हमने लोडिंग भी लेट सपोज 10 N का कर दिया, ठीक है, नेक्स्ट ये सेम मटेरियल है, लोड का वैल्यू बढ़ा करके हमने इस पर 50 N कर दिया, सेम मटेरियल है, लोड का वैल्यू बढ़ा करके हमने 100 N कर दिया. ओके, देखिएगा ये मटेरियल, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 5 mm square. हमने यहां पे 10 N लगाया है, यहां पे 50 N लगाया है एंड 100 N लगाया है. ठीक है, अब जब आप 10 N लोड लगा रहे हो तो इस लोड की वजह से इस मटेरियल में कुछ ना कुछ एक्सटेंशन होगा, एक्सटेंशन. और जब लोड बढ़ा करके 50 N कर दिया तो लोड का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, इस मैग्नीट्यूड के बढ़ने से इसके एक्सटेंशन पर कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा. अब एक्सटेंशन क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा. ठीक है, और अगर 100 N लोड है तो एक्सटेंशन क्या होगा, और भी थोड़ा ज्यादा होगा. तो अगर मटेरियल लिनियरली एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड, और आपको पता है किसी मटेरियल का वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम क्या होता है, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम. कॉन्स्टेंट वाले क्राइटेरिया से अगर आप देखें, या अगर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर ले, आपके घर में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स होंगे, आपने बहुत बार इलेक्ट्रिकल वायर हाथ में लिया होगा, इलेक्ट्रिकल वायर का कलर कैसा होता है, रेड कलर होता है, ब्लू कलर होता है, व्हाइट कलर होता है. किसी भी एक इलेक्ट्रिकल वायर को अगर आप ऐसे स्ट्रेच करोगे, स्ट्रेच, ठीक है, तो अगर स्ट्रेच करोगे, आप कभी स्ट्रेच करके देखना, या फिर कभी आप देखे भी होंगे, फील करना इसको, इस एक्सपेरिमेंट को, अगर आप स्ट्रेच करोगे तो उस स्ट्रेचिंग के ड्यूरेशन में आपको ये दिखेगा कि उस वायर का जब आप स्ट्रेच करोगे तो कहीं ना कहीं कलर उसका फेड होता जाएगा, कुछ व्हाइट जैसा होता जाएगा, और जिस सेक्शन पे उसका कलर फेड होगा वहां पे उसका क्रॉस सेक्शनल डायमीटर, मतलब उस वायर का जो डायमीटर है वो क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा. ठीक है, इट मीन्स अगर आप लोडिंग करते हैं किसी भी मटेरियल में तो उस लोड्स की वजह से मटेरियल अगर इधर लिनियरली एक्सपेंड करता है, लिनियरली एक्सपेंड करेगा तो लैटरल डायरेक्शन में, लैटरल डायरेक्शन में वो क्या होगा, कॉम्प्रेस्ड होगा. इसी को तो, इसी फेनोमिना को तो, इसी को प्रॉपर्टी को हम कहते हैं पॉइजन्स रेशियो. क्लियर, तो अगर 10 N का लोड लगा है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना 5 mm square. अगर 50 N का लोड लगा है तो कुछ ना कुछ ये एरिया क्या होगा, कम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया. तो यहां पे मैं फिगर कुछ इस टाइप का बनाता हूं, लेट सपोज इस टाइप का, इस टाइप का. ठीक है, ये वाले सेक्शन पे एरिया कुछ ना कुछ कम हो गया. ठीक है, ये लेस देन 5 mm square क्रॉस सेक्शन एरिया, डाया कुछ कम हो जाएगा, डाया कम होगा क्रॉस सेक्शन एरिया कुछ कम हो जाएगा. अगर 100 N लोड हो गया तो 100 N लोड की वजह से कुछ इस टाइप का हमने फिगर बनाया, देखिएगा इस टाइप का. इस सेक्शन पे एरिया और भी कम हो गया 5 mm square से, 5 mm square से. क्लियर, तो अगर हम बात करें इस सेक्शन पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, यहां पे क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है, और अगर स्ट्रेस कैलकुलेट करें, स्ट्रेस आप बेसिक जानते हैं, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया. ठीक है, तो अगर यहां पे स्ट्रेस कैलकुलेट करें तो स्ट्रेस कितना हो जाएगा, पी बाय एरिया ए, पी कितना 10 और एरिया कितना 5, इसको लिखा 10/5, ये आ गया 2 mm square. ओके, और अगर इस पोजीशन पे हम बात करें, इस पोजीशन पे स्ट्रेस का वैल्यू कितना हो जाएगा, सिग्मा 1, यहां कितना हो जाएगा, लोड कितना 50 और एरिया. अब एरिया की बात करते हैं, अगर यहां पे एरिया आप इनिशियली पुट करोगे, इनिशियल क्रॉस सेक्शनल एरिया 5 mm square, अगर यहां पे 5 mm square आप पुट करोगे तो ये जो स्ट्रेस आएगा, इस स्ट्रेस को हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस और सिंपल स्ट्रेस, या तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस कहोगे या फिर सिंपल स्ट्रेस. ओके, लेकिन बट
अगर इसी स्ट्रेस की कैलकुलेशन हम करें लोड 50 न्यूटन लगा करके, बट एरिया एरिया इंस्टेंटेनियस एरिया रहते हैं, इंस्टेंटेनियस एरिया का मतलब इस लोड पर जो इसका एक्चुअल एरिया है वो एरिया रख दें यहां पे एक्चुअल एरिया, अगर यहां पे एक्चुअल एरिया रख दें तो ये जो स्ट्रेस हमें देगा ये इस स्ट्रेस को हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस, इस स्ट्रेस को हम क्या कहते हैं ट्रू स्ट्रेस। इट मींस ट्रू स्ट्रेस कैसा स्ट्रेस है, ऐसा स्ट्रेस जिसमें एरिया जो है, स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया, इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स अपॉन एरिया, तो वो जो एरिया है अगर उस एरिया का एक्चुअल वैल्यू रखा आपने इंस्टेंटेनियस एरिया उस लोड के कोरस्पॉन्डिंग एरिया, तो वो जो स्ट्रेस कैलकुलेट होगा उसको हम कहते हैं ट्रू स्ट्रेस, ट्रू स्ट्रेस। ओके, बट अगर आप इनिशियल एरिया रखते हो लोड कोई सा भी ले लीजिए यहां से लोड कोई सा भी, और इस लोड पे अगर एक्चुअल इनिशियल एरिया रखोगे तो इस इनिशियल एरिया के कोरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस कैलकुलेट होता है उसको हम कहते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेस, या फिर उसको हम क्या कहेंगे सिंपल स्ट्रेस। ओके नाउ ये क्लियर है। आगे देखते हैं सेंट मैनेंट प्रिंसिपल, व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ सेंट मैनेंट प्रिंसिपल, याद रखते हैं सेंट मैनेंट प्रिंसिपल ये एक बेसिक एजम्पशंस है सेंट मैनेंट प्रिंसिपल, जिसके थ्रू हम लोड्स के इफेक्ट को सेम करते हैं, इफेक्ट ऑफ लोड सेम होता है, समझिएगा सेंट मैनेंट प्रिंसिपल का मतलब। मान लो आपका ये कोई मटेरियल है, मटेरियल बहुत सारे मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल एटम से मिलकर के बने होते हैं, इसमें यहां पे ये हमने मॉलिक्यूल्स लिया एक एटम, दूसरा कोई मॉलिक्यूल लिया फाइबर लिया बी, तीसरा कोई फाइबर लिया सी सी एंड डी, ये हमने चार फाइबर लिए। अब किसी एक फाइबर पर लेट्स सपोज इस बी वाले पर यहां पर हमने फोर्स लगा दिया पी, ठीक है। अगर आप बेसिक कॉमन सेंस से थोड़ा सोचोगे तो फोर्स कहां पे लगा है, ये लोड कहां पे लगा है बी वाले पॉइंट पे, तो इस लोड का जो भी इफेक्ट होगा, इस लोड का ये लोड का नेचर कैसा है टेंसाइल, ये पुल कर रहा है इसको टेंसाइल नेचर है, तो इसकी वजह से इस मटेरियल में इफेक्ट क्या होगा एक्सटेंशन, ये इधर इधर की तरफ क्या करेगा एक्सपेंड करेगा, तो ये जो एक्सपेंशन होगा वो ए वाले पॉइंट का सी वाले पॉइंट का या डी वाले पॉइंट का बी के रेस्पेक्ट में क्या होगा कम होगा, क्यों, क्योंकि लोड कहां पे लगा है बी पॉइंट पे लगा है, तो बी पॉइंट पे इस लोड का इफेक्ट क्या होगा ज्यादा होगा कंपेयर टू सी एंड डी। ओके ये हुई कॉमन सेंस की बात, ठीक है। बट सेंट वैलेंट ये एक साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या कहा सेंट वैलेंट ने, सेंट वैलेंट ने क्या कहा कि अगर आपका ये कोई मटेरियल है, ये आपका कोई मटेरियल है, इस मटेरियल में किसी इस पॉइंट पर आपका अगर लोड लगा हुआ है बी, किसी भी पॉइंट पर ये लोड लगा है बी, तो इस पॉइंट से एप्लीकेशन से ये जो पॉइंट लगा हुआ है लोड इस पॉइंट पर, तो इस लोड के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से इधर 1.3 times ऑफ इट्स least lateral dimension, least lateral dimension इधर आने पर उस लोड का इफेक्ट क्या हो जाता है सेम हो जाता है। जैसे लेट सपोज यहां पे इस पॉइंट पर अगर लोड लगा है तो इसका एक्सटेंशन आप देखोगे, इसका एक्सटेंशन यहां दिखाता हूं, इसका एक्सटेंशन तो ये वाला पॉइंट मान लीजिए कुछ इतना एक्सपेंड किया, ये वाला कुछ इतना एक्सपेंड किया, ये कुछ इतना और ये वाला कुछ ज्यादा करेगा, तो इसका एक्सपेंशन हमने कुछ इस टाइप का दिखाया। अगर थोड़ा सा और इधर देखते हैं, ये ए ये बी ये सी ये डी, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग सेंट मैनेंट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये लोड कहां पे लगा है इस पॉइंट पे लगा है, तो इससे अगर आप इधर आ गए कितना 1.3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लैटरल डायमेंशन, लीस्ट लैटरल डायमेंशन का मतलब लैटरली जो ये दो डायमेंशन है इनमें से जो भी कम होगा उसका 1.3 टाइम्स, अगर इधर आप आ गए तो यहां पे इस लोड का इफेक्ट सारे ही पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा,
क्लियर। सेम होने का मतलब अगर यहाँ डिफॉर्मेशन देखें तो जितना ये डिफॉर्म करेगा उतना ही ये डिफॉर्म करेगा, उतना ही ये डिफॉर्म करेगा, उतना ही ये डिफॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं सेंट वेनेंट प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू सेंट वेनेंट प्रिंसिपल इफेक्ट ऑफ लोड विल बी सेम एट 1.3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लैटरल डायमेंशन। क्लियर। आप बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट बुक्स अगर देखोगे तो शायद कभी किसी बुक में आपको ये 1.3 की जगह 1.5 भी मिल जाए, ठीक है। बट दैट इज नॉट मैटर। हमें ये नहीं जानना कि कितने एक्चुअल पॉइंट्स के बाद सेम होता है। हमें इस प्रिंसिपल्स को ऐसे यूज करना है कि लोड की जो इफेक्ट होती है वो सारे ही मॉलिक्यूल सारे ही फाइबर पर क्या होता है, सेम होता है। क्लियर। अगर इस एजम्पशंस को आप नहीं मानोगे तो प्रॉब्लम ये आएगा। लेट सपोज आपसे मैं स्ट्रेस पूछ दूं यहां पे, तो ये लोड यहां पे लगा है लेट सपोज 10 न्यूटन का और क्रॉस सेक्शन एरिया मान लो 5 है पिछले वाले एग्जांपल की तरह, तो स्ट्रेस यहां पे कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया 5 है, 5 से डिवाइड कर दिया 2 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, ठीक है। लेकिन इस लोड का इफेक्ट हर जगह सेम तो नहीं है, तो इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे सारे जगह स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे। फिर आप किसी भी एक लोड की वजह से किसी एक मटेरियल में स्ट्रेस को डिफाइंड ही नहीं कर पाओगे। क्लियर। इसी वजह से हम इस प्रिंसिपल को वैलिड कराते हैं, सेंट वेनेंट प्रिंसिपल। इसने क्या कहा कि किसी भी मटेरियल में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड, जहां पे लोड का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वहां से 1.3 टाइम्स ऑफ इट्स लीस्ट लैटरल डायमेंशन आने पर लोड का इफेक्ट क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। अगर ये सेम हो गया लोड का डायरेक्शन तो क्या होगा, सेम होने के बाद स्ट्रेस सारे पॉइंट्स पर हम क्या कर लेंगे, सेव कर लेंगे। क्लियर है। ये आपके 7 बेसिक एजम्पशंस हैं जिनके थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का बेसिक मैंने क्लियर किया आपको, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर और भी बेसिक डेप्थ में हम लोग जाएंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।